इंडिया के
यशवर्धन अगर मैं जैसे आपने अभी कोरिलेट किया जियो पॉलिटी में, हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, राइट? तो जियो भी आ गया, पॉलिटी भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। तो अगर हम इंडियन पॉलिटी में जाते हैं तो पॉलिटी की स्टार्टिंग ही प्रीएम्बल्स होती है। कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रीएम्बल? बिकॉज प्रीएम्बल में जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं, चाहे वो सॉवरेनिटी हो या सेकुलर हो, इन टर्म्स के मीनिंग क्या है, और एक स्टूडेंट को जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको किस तरह से उन टर्म्स को कॉम्प्रिहेंड करना है और फिर रियल लाइफ में यूज करना है। प्लीज, हम लोग को प्रीएम्बल का टॉपिक आता है, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो पहला ही टॉपिक जो हम लोग हिस्टोरिकल डेटा से और फिर प्रीएम्बल पर जो उसके बाद सीएम चीज़ होता है, प्रीएम्बल हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी है जिसको एक जगह इकट्ठा करके बताया गया है। हम लोगों की कंट्री सॉवरेन है, हम लोगों की कंट्री जैसे आपको पता होगा कि सेकुलर और इंटेग्रिटी और सोशलिस्ट वर्ड होते हैं, ये तीन वर्ड। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972 एक्ट बनाए गए थे। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे हम लोगों का कंट्री सर्कुलर था ही, हम लोग क्या इक्वल फ्रीडम फॉर रिलीजन, जो रिलीजियस फ्रीडम था वो हम लोग क्या आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक दिया हुआ है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन लोग सोचते थे कि हम लोग एक सेकुलर नहीं है, कि आज हमें कई सारे जो जियो पॉलिटिकल जो कई सारी फेमस कंट्रीज हैं, यूएसए, रशिया जो भी है, वहाँ के लोग सोचते कि इंडिया भी हिंदुइज्म ही हिंदुइज्म है, बाकी कोई नहीं। इंडिया का प्रीएम्बल बताता है कि हम सेक्युलर हैं। हम लोगों ने इस वजह से सोशलिस्ट वर्ड उस समय यूज़ नहीं किया हम लोगों का। और आपको बहुत चीज़ समझिए, लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जो प्रीएम्बल था वो हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया, बल्कि हम लोगों का प्रीएम्बल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। कोई मुझे बता सकता है कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा प्रीएम्बल कैसे अलग है? हमारे देश में ये चल रहा है, हमारे देश में दलितों की हत्याएं हो रही है, दो दलित लोग
का पेपर आपके